फिर से बिहार के राजनीतिक अध्याय का एक कहानी लेकर आप सबके बीच मैं आ चुका हूं। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिन्होंने पटना के गांधी मैदान तक को गिरवी रख दिया था। कहानी उस मुख्यमंत्री की जो जब मुख्यमंत्री पद से उतरते हैं तो बिहार ट्रेजरी में मात्र 48 लाख रुपए ही बचे हुए थे। कहानी उस मुख्यमंत्री की जो सुबह की चाय तब तक नहीं पीते थे जब तक उनके टेबल पर 2 लाख रुपये पहुंचा नहीं दिए जाते थे। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिन्होंने बिहार में नक्सलियों को पसरने और पनपने का भरपूर मौका दिया। कहानी उस मुख्यमंत्री की जिनके जीवन काल में ही उनके सगे भाई के लाश पर राजनीति करने तक का आरोप लग गया था। कहानी जगन्नाथ मिश्र की। बिहार का सुपौल जिला, तारीख थी 24 जून, साल था 1937 और उनका जो पैतृक आवास है वह बलुआ बाजार था। वहीं पर एक रिहायशी परिवार में जन्म हुआ था जगन्नाथ मिश्र का। एक बेहद रिहायशी परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनके जन्म से ठीक 14 साल पहले 2 फरवरी 1923 को उनके बड़े भाई एलन मिश्रा का जन्म हुआ था। घोर कांग्रेसी परिवार से आते थे जगन्नाथ मिश्रा और उनके भाई एलन मिश्रा पहले लोकसभा में ही सांसद चुन लिए गए थे और बिहार से वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें केंद्र में कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। दूसरा लोकसभा भी वो जीतते हैं, पांचवा लोकसभा भी वो जीतते हैं और 1973 में जब इंदिरा गांधी की सरकार का गठन होता है तो इंदिरा गांधी ही उन्हें रेलवे का जो मंत्रालय है वो सौंप देती है। अब आते हैं सीधे एलन मिश्रा के हत्याकांड पर। तारीख था 2 जनवरी, साल था 1975। बहुत ठंड था, बहुत धुंध था। दिल्ली से विमान जो है उनका पटना पहुंचता है और उनका जो पायलट होता है वो एलन मिश्रा को यह बात बताता है कि फ्लाइट लैंड करने की स्थिति में हम नहीं हैं, अगर आप बोले तो हम वापस दिल्ली जा सकते हैं। समस्तीपुर में एक कार्यक्रम तय किया गया था जहाँ के मुख्य अतिथि एलन मिश्रा थे। एलन मिश्रा अपने जिद पर अड़े रहते हैं, फ्लाइट उनकी पटना लैंड करती है, वे समस्तीपुर पहुंचते हैं और समस्तीपुर जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक भीषण हादसा हो जाता है, बम ब्लास्ट होता है जिसमें बहुत गंभीर रूप से घायल होते हैं एलन मिश्रा, साथ ही साथ उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा भी घायल होते हैं। पर जो बम एलन मिश्रा के पूरे शरीर पर असर करता है वो बम का कुछ हिस्सा ही जगन्नाथ मिश्रा के पैर पर सिर्फ असर करता है। बड़ी ताज्जुब की बात थी कि रेलवे मिनिस्ट्री थे उनके हाथ में, रेलवे मंत्रालय के वो मंत्री थे और 4 घंटे में जो ट्रेन समस्तीपुर से पटना पहुंचती है वो एलन मिश्रा के बॉडी को लेकर जो काफ़ी घायल था पटना पहुंचने में उसे 14 घंटा लग जाता है। 3 जनवरी को उनकी मौत हो जाती है और उसी साल 1975 के अप्रैल के महीने में जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। एक कहानी तो यह भी है कि रशिया के KGB नेक्सस का कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स जो था वो एलन मिश्रा के हाथ लग गया था जिसके चलते इंदिरा गांधी जो है वो खतरे में आ सकती थी और इसी के चलते इंदिरा गांधी के ऊपर भी ये आरोप जो उस समय के पत्रकार थे वो गढ़ देते थे कि इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं संलिप्तता भारत के प्रधानमंत्री की भी रही हो। हालांकि यह तथ्यात्मक रूप से कहीं भी स्पष्ट नहीं है पर उन दिनों के जो पत्रकार थे वे इसमें सीधे तरीके से तब के भारत के प्रधानमंत्री का नाम लाते थे और उनके साथ जो नाम जुड़ता था वो जगन्नाथ मिश्र का था
उन दिनों कांग्रेस के बारे में एक कहावत बहुत प्रचलित थी कि भारत के 250 के आसपास परिवार थे जिनके सदस्यों को टिकट दिया जाता था, और उसमें से एक परिवार एलएन मिश्रा का था। एलएन मिश्रा के जाने के बाद उनके छोटे भाई जगन्नाथ मिश्रा के कंधे पर सारा का सारा जिम्मेदारी कांग्रेस का सौंप दिया जाता है। 1975 में ही वो मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, जो कि वो 1978 तक रहते हैं। 3 बार उन्हें बिहार के मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा शिक्षा के बारे में। आपने अपने पिताजी या आपके जो दादा होंगे घर में, उनके द्वारा एक बात बार बार कही जाती होगी कि बिहार में उनके समय में जो सरकारी विद्यालय होते थे, सरकारी कॉलेजेस होते थे, उनमें पढ़ाई बड़ी अच्छी होती थी। और आज के दौर की बात करें तो शिक्षक संस्थान जो सरकारी होते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, वे सब के सब अब खत्म से हो चुके हैं। वहाँ पर शिक्षा नाम की अब कुछ बची नहीं है। तो इसका भी श्रेय जगन्नाथ मिश्रा को ही जाता है। उन्होंने एक वित्त रहित शिक्षा प्रणाली लाया था बिहार में। वित्त रहित शिक्षा प्रणाली के तहत जितने भी कॉलेजेस थे बिहार में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंट फील्ड की हो या फिर एफिलिएटेड हुआ करते थे, उनको बिहार सरकार के द्वारा कुछ फंड मुहैया करवाया जाता था। तो वित्त रहित शिक्षा प्रणाली जब बिहार में आती है, उसके बाद जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन थे, जो संस्थान थे, उनको फंड बंद करा दिया गया, जिसके चलते जो प्राइवेट प्लेयर्स थे, जो प्राइवेट कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, वो बिहार में पनपने लगे। सरकारी शिक्षा पूरी तरीके से रसातल में जाने लगी थी। डिग्रियां बांटने की जो प्रथा है बिहार में, वो जगन्नाथ मिश्र के समय ही शुरू हुई। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार को ये सिखा दिया था, बिहार को ये बता दिया था कि शिक्षा के द्वारा कैसे कमाई की जा सकती थी। उन दिनों जितने भी प्राइवेट कॉलेज खोले जाते थे, उसका एक मोटा रकम जगन्नाथ मिश्रा तक पहुंचा दिया जाता था। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार को सिखाया कि कैसे राजनीति से पैसा कमाया जाता है, कैसे शिक्षा से पैसा कमाया जाता है। चलिए अब बात हम कर लेते हैं चारा घोटाले की। अधिकतर बिहारियों को ये मिसकंसेप्शन है कि साल 1997 में पहली दफ़ा पाउडर स्कैम यानी कि चारा घोटाले का खुलासा होता है और लालू यादव जेल चले जाते हैं, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। पर आपकी जानकारी के लिए आपको बताऊं, और आपका जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि सन 1977 में जब जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसी समय से बिहार में चारा घोटाला हो रहा था। यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री के नाम पर जो उनके खाने की जो जानवरों के चारा होता था, उसका जो पैसा आता था केंद्र से, उसकी चोरी की शुरुआत सन 1977 से ही हो चुकी थी। श्याम बिहारी सिन्हा का नाम आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, पर अब जान लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे ब्यूरोक्रेट माने जाते थे जिन्हें मास्टरमाइंड बताया गया है चारा घोटाला का। 500 से अधिक लोग अभियुक्त हुए हैं, गिल्टी पाए गए हैं। 44 से अधिक केसों में चारा घोटाले के वे सभी के सभी अभी सजायाफ्ता हैं। जगन्नाथ मिश्रा को मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं बिहार में पाउडर स्कैम का। हालांकि 1995 में जब लालू यादव सत्ता में थे और उन्हें जब इस बात का पता चलता है, तो उन्होंने सीबीआई जांच की अनुशंसा की थी। सीबीआई जांच बैठता है और लालू यादव जो है वो फंस जाते हैं पाउडर स्कैम। तो ये हुई चारा घोटाले की बात। अब हम बात कर ले क्रिमिनल्स की, क्राइम की। अगर हम बात करें तो नक्सलियों को पनपने का जो सबसे सुनहरा मौका बिहार में मिलता है, इस समय सन सेना, लोरिक सेना का स्थापना होता है, जातिगत हिंसा, नरसंहार शुरू होता है, वो काल भी जगन्नाथ मिश्रा का ही था, जिसे पूरी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट बिहार में लालू काल में मिलता है, पर इसकी जो शुरुआत है वो जगन्नाथ मिश्रा के समय ही हो गई थी। तो जगन्नाथ मिश्रा बिहार के एक ऐसे मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बिहार के राजनीति में कुछ आमूल चूल परिवर्तन कर डाले। उन्होंने सिखा दिया बिहार के नेताओं को पैसा कैसे बनाया जाता है राजनीति से। प्रतिदिन 2 लाख रुपए की जब तक उनकी कमाई नहीं होती थी, वो सुबह की चाय नहीं पिया करते थे, मॉर्निंग टी जिसे हम कहते हैं। जगन्नाथ मिश्रा वो मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने बिहार के शिक्षा को रसातल में भेज दिया। करप्शन, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर तरीके से बिहार को रसातल में पटकने वाला कोई मुख्यमंत्री हुआ तो वो थे जगन्नाथ मिश्रा। चारा घोटाले के बाद अगर हम बात कर ले क्राइम की, तो भले ही नक्सलवाद को पनपने का या फिर उनको इस्टेब्लिश करने का श्रेय लालू प्रसाद यादव की जाता है, पर इसकी जो शुरुआत है वो भी जगन्नाथ मिश्र के समय में ही हो गई थी। जगन्नाथ मिश्रा ने वो सुनहरा काल प्रदान किया था उन नक्सली संगठनों को बिहार में स्थापित होने का, जिसमें लोरिक सेना थी, जिसमें सन सेना थी, ये सभी के सभी जगन्नाथ मिश्रा के समय में ही इस्टेब्लिश हो गया था। क्राइम, किडनैपिंग, हर तरीके से जगन्नाथ मिश्रा का जो रीजन था वो इसके लिए हमेशा याद किया जाएगा। जगन्नाथ मिश्रा ने बिहार को सिखा दिया था कि पॉलिटिक्स से पैसा कैसे कमाया जाता है, शिक्षा से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। प्रतिदिन वो मॉर्निंग टी
तब तक नहीं लेते थे जब तक वो 2 लाख रुपए की आमदनी नहीं कर लिया करते थे। इनके बाद आते हैं लालू प्रसाद यादव, उनके बाद आते हैं नीतीश कुमार, जो फिलहाल उन्हीं के बनाए हुए ढर्रे पर चलते हुए दिख रहे हैं। ललित नारायण मिश्रा को हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो जीवित होते, अगर उनकी मौत नहीं हुई होती, तो वो भारत के भावी प्रधानमंत्री भी हो सकते थे। पर स्वार्थ में, लालच में राजनीति किस स्तर तक जा सकती है, इसका जीता जागता प्रमाण जगन्नाथ मिश्र हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी प्रतिक्रिया आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। बिहारी नंबर वन को आप सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।